इस तरीके से स्टोरी बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने वाले स्टोरी वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एक नॉर्मल जी फोटो को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कोई सा भी जो भी कलर लेना हो कलर को चूज़ कर लेना है। कलर को चूज़ करने के बाद दोस्तों लॉन्ग प्रेस करके रखना है स्क्रीन पर, ये पूरे बैकग्राउंड में हो जाएगा कलर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आ जाना है और फ़ोटो को ऐड कर लेना है। कोई सी भी एक नॉर्मल सी फ़ोटो आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं कोई सी भी एक फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूँ। आपको भी फटाफट से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर 2 से 3 बार क्लिक करना है, ये सर्कल में आ जाएगी। आपको इसको इस तरीके से सेंटर में रख लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करके सर्च वाले बटन पर जो भी सर्च करना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है वाइट। दोस्तों आपको वाइट सर्च कर लेना है। वाइट सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वाइट पर नहीं मिले तो दोस्तों फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या सर्च करना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है फ्रेम। क्या सर्च करना है, फ्रेम। दोस्तों इस तरीके से फ्रेम सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का सर्कल चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इसको पूरे सर्कल पर रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको छोटा कर लेना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। फिर से क्लिक करना है, फिर से आपको इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। दूसरी फ्रेम ले सकते हो, यहाँ पर मैं यही ले लेता हूँ। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर से आपको वही फ्रेम लेना है और आपको इस तरीके से इसको रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जैसा भी एडजस्टमेंट करना हो आप रख सकते हो इस तरीके से। और दोस्तों उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एन सर्च कर लेना है। फर्स्ट पहले एन को सर्च करने के बाद इसको बड़ा इस तरीके से कर लीजिए, जिस तरीके से भी आपको रखना है। फिर से आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ई सर्च करना है। ई को क्लिक कर लीजिए, आपको जैसा भी रखना हो दोस्तों आप फटाफट से रख लीजिए, मैं फटाफट से रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, W। W को क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इसको पहले लगा लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है फ्लावर। फ्लावर दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के बहुत सारे आ जाएंगे, आपको इनको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इनको छोटा करके इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। दोस्तों एक और लाना है और एक नीचे की तरफ लगा देना है, कुछ इस तरीके से छोटा करके आपको सेम छोटा करके लगाना है दोस्तों, नहीं तो आपका अच्छा नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगा दिया है। और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेकंड फ्लावर लेना है। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेकंड फ्लावर ये रहे। इस तरीके से दोस्तों आपको इनको इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है, कुछ बड़ा करके या फिर आप छोटा करके लगा सकते हो साइड में। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करके एक फ्लावर और लेना है और इसको ऊपर की साइड लगा देना है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कलर की, तो सिंपली दोस्तों आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कलर, आप जो भी आपकी फ़ोटो का कलर है आपको उस पर ले जाना है और इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से फ़ोटो के आसपास आपको इस तरीके से सर्कल बना देना है। सर्कल बनाने के बाद दोस्तों इसको छोटा करके आपको सर्कल बनाना है, तो इसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए और इसके बाद इसको छोटा करके सर्कल बना लीजिए। और बिगड़ जाए तो आपको बैक कर लेना है और फिर से आपको एक सर्कल बना लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको डॉट रखना है, तो आप जहाँ पर भी डॉट रखना चाहो जिस भी कलर में रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ पर मैं रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कलर में रखना हो तो आप कलर में भी रख सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर रख देता हूँ। फटाफट से आपको भी इस तरीके से रख लेना। देख सकते हैं आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी, इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।